घर बैठे निशुल्क संगीत सीखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। रियाज ऐप एक बेहतरीन ऑनलाइन एप्लीकेशन है जिसके जरिए आप घर बैठे हिंदुस्तानी, कर्नाटक और बॉलीवुड संगीत सीख सकते हैं, जिसमें कि ऑडियो क्लिप्स होती हैं जिनमें जो गुरु हैं, जो एक्सपीरियंस कलाकार हैं, प्रोफेशनल्स हैं, वो लोग गाते हैं, उनके बाद आप रिपीट करते हैं, तो ख्याल आपको वहाँ सीखने को मिलते हैं, गीत आपको सीखने को मिलते हैं। तो कूपन कोड और लिंक जो है उसका डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से देखिए, डाउनलोड कीजिए और सीखिए। अब थोड़ा हम सीखने के प्रति आते हैं। जैसे विद्यार्थी जब सीखने आता है आपके पास, कोई भी नया स्टूडेंट आया और उसने पहले संगीत कभी सीखा नहीं, उसको पता नहीं है संगीत क्या होता है, मगर उसकी रुचि है ना, क्योंकि शायद उसने कहीं सुना होगा या देखा होगा, उस वजह से सीख रहा है, या फिर उसके माता पिता हैं वो उसकी अहमियत समझते हैं विषय की, वो अपने बच्चे को सिखाना चाहते हैं। तो कुल मिला के वो जब विद्यार्थी आपके सामने आता है और आप जब उसे गवा के देखते हैं, तो कई विद्यार्थी ऐसे होते होंगे जिनके स्वर ऑटोमेटिक लगे होते हैं, क्योंकि स्वर और लय तो ऐसी है कि ईश्वर की देन होती है ना, ये आ जाए अंदर तो आ जाए, वरना लोग प्रयासों से बहुत मेहनत लगा देते हैं तब भी नहीं आती है ना, वो वाली बात है। चलो हम इसका शास्त्र तो पढ़ सकते हैं, हम किताबें याद कर सकते हैं कि ये राग है, ये राग के नियम है, ये ख्याल याद कर सकते हैं, मगर सुर और लय तो ऐसी चीज़ है जो देन है। तो कई विद्यार्थी होते हैं जिनके पास वो देन होती है, कई होते हैं जिनके पास नहीं होती है, जो नहीं सुर को समझ पाते। आपने जो लाइन गाई, आपने या तो एक सुर भी लगाया, वो उसकी फ्रीक्वेंसी भी उनका जहन पकड़ नहीं पाता है कि इस इतना ऊंचा है कि इतना ऊंचा है कि कितना नीचा है। तो उनमें अगर आपको स्वर पैदा करना है या लय पैदा करनी है, तो क्या प्रयास करेंगे आप, कि या वो बच्चे क्या प्रयास करें कि वो स्वर या लय को समझ सकें, आ जाए उनको? देखो, अगर स्वर नहीं है, ये तो गुरु देख लेता है कि स्वर है या नहीं है, और मेरे ख्याल से गुरु को उसको बताना चाहिए कि तुम नहीं गा पाओगे। अच्छा, स्पष्ट बात है, साफ बात है, क्योंकि अगर वो समझ ही नहीं रहा है स्वर को, तो स्वर लगाएगा कैसे? ऐसे में उसको डाइवर्ट करना चाहिए कि तुम हारमोनियम सीखो। एक ये तरीका हो सकता है, आप अगर थोड़ा सा देख लेते हो कि इसमें थोड़ा सा समझ तो है ना, थोड़ी सी समझ है, तो हारमोनियम की तरफ भेज दो, है ना। नहीं, उसको तो यही सीखना है साहब, के गाना सीखना है मुझे तो, स्वर भले ही नहीं समझ में आ रहा है या नहीं लग रहा है, लेकिन गाना तो सीखना है। तो आप ये कह सकते हो कि आप हारमोनियम ले लो, ठीक है, उसके बाद उसको हारमोनियम पे बताओ, सा लगाओ, उसके साथ सा से सा उसका मिलवाओ, कि तुमको ये प्रयास करना है कि इस आवाज़ से अपनी आवाज़ को मिलाना है, है ना, जैसे सा, फिर रे लगवाओ, फिर ग लगवाओ, इस तरह। लेकिन ये बहुत लंबा प्रोसेस है ना, क्योंकि उसके अगर स्वर दिमाग में नहीं है, उसको नहीं पकड़ पाता है, तो वो बहुत लंबा प्रोसेस जाएगा, क्योंकि तीन स्वर बोलने में उसको जाने कितने महीने लग जाएंगे, है ना। तो ऐसा होता है, तो दोनों बातें हैं, या तो उसको स्पष्ट कह दो कि आप कोई इंस्ट्रूमेंट सीखो, क्योंकि ये ज़रूरी थोड़ी कि आप अगर संगीत सीखना चाहते हो तो आपको गाना ही सीखना है, आप सितार सीख सकते हो, आप फ्लूट सीख सकते हो, आप और कुछ इंस्ट्रूमेंट है, आप तबला सीख सकते हो। तो जो गुरु होता है उसको बोलना चाहिए, उसको कहना चाहिए कि उसकी तरफ, कि आप इस तरफ जाओ, ये रास्ता आपके लिए नहीं है, आप इस रास्ते जाओ, ये आपको सूट करेगा। क्या उसका कोई तरीका है कि उसके अंदर से उपज सकता है सुर? सुर उपज सकता हो, मुझे नहीं लगता ऐसा कोई तरीका है, है ना, और अगर है भी तो उम्र निकल जाएगी उसकी। क्या उसका ये तरीका है कि वो, जैसा कि आपने स्टार्टिंग में बताया कि हारमोनियम सीखना चाहिए, तो हारमोनियम से क्या ऐसी चीज हो रही है जिससे शायद उसके स्वर अंदर आए? आई गेस वो सुनना है, सुनना कि वो स्वर को सुन रहा है, सुन रहा है ना। क्या ऐसी टेक्निक्स होती हैं, जैसे पिताजी ने कई स्टूडेंट्स के साथ ऐसे एक्सपेरिमेंट करे जिनके स्वर नहीं लगे, तो वो भाई बैठा रहा, जैसे आपने बोला महीनों लग जाएंगे, तो वो महीनों बैठा ही रहा, उस उन महीनों में किया क्या उसने? उसने स्वर को सुना है, खाली सुना है, सुना है, और उसको सुन के, सुना है और सुन के वैसा बोलने का प्रयास किया है, प्रयास किया है, ठीक है ना। तो इसमें बहुत लंबा प्रोसीजर है, ये बहुत समय लगता है, अगर इतना धैर्य किसी के पास हो और वो करे तो बात अलग है। अब मान लो आपने 15 साल की उम्र में ये चीज़ शुरू की, तो मैं सोचता हूँ कि 5 साल तक तो उसको सारे गम पध नि साल लगने में हो जाएंगे, अगर वो कर लेता है तो, और उसके पीछे लगता है तो, है ना। खाली सारे गम पध नि सा ही करने में उसको, मान लो आप बोल रहे हो
सा, तो ये देखना कि सा तो हर कोई भी बच्चा बोल लेगा सा। आप उसको कहेंगे नहीं थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे, तो वो सा सा बोलेगा, लगा लेगा। फिर आप बोलोगे रे, तो वो नहीं बोलेगा, बड़ी मुश्किल से वो बोलेगा। फिर आप बोलोगे गा, तो बोलेगा गा गा, लेकिन वो उस चीज को नहीं पकड़ पाएगा, है ना। तो ऐसे बच्चों को समय लगता है, अगर इतना धैर्य है उसमें कि बैठ के करे। लेकिन मैंने तो इतने सालों में ये नहीं देखा कि कोई ऐसा बच्चा जिसने ऐसा इतना कर लिया हो, क्योंकि वो बैठ के कर नहीं पाते। एक जिद भी तो चाहिए ना उसके पीछे। बिल्कुल चाहिए होती है भाई, जिसको ईश्वर हुनर देता है वो चीज का। तो अगर उसके पास जिद भी है तो वो कर सकता है, और जिसके पास हुनर नहीं है तब भी अगर जिद्दी है तो वो कुछ ना कुछ करेगा, उसके पीछे प्रयास लग जाएगा, सालों लग जाएं, लेकिन कभी तो वो इतना सही लेकिन सुर में जरूर आएगा, और फिर धीरे धीरे उसे समझ आ जाएगा कि स्वर में लाना कैसे अपने आप को। मेरे पिताजी के एक शिष्य थे, वायलिन सीखते थे, वो सरकारी अधिकारी थे, वायलिन सीखते थे। सारी उम्र उन्होंने वायलिन में अलंकार, जितने भी अलंकार पिताजी ने उनको सिखाए वो सारे अलंकार बजाते थे, और बड़े अच्छे बजाते थे। लेकिन सारी उम्र मैंने उनको यही देखा, उन अलंकारों के अलावा उन्होंने कुछ नहीं बजाया, बजा ही नहीं पाए, क्योंकि एक अंदर से जो उपज आनी चाहिए वो नहीं आई। अलंकार बजा लिए, ठीक है, अब अलंकार के बाद अगर पिताजी ने एक गत बना दी तो वो गत भी उन्होंने बजा ली, लेकिन उस गत में अगर आप कहो कि अब अपनी तरफ से कुछ डालो, एक आलाप लो इसमें, तो वो एक आलाप भी नहीं बजा पाए। तो ऐसा भी होता है कि वो आपने भले ही जो रटवाया वो तो रट लिया, लेकिन उपज नहीं आई। और उपज मेरे ख्याल से उपज कैसे आती है, आप एक टाइम फिक्स कर लो कि मुझे इतनी देर यहाँ पर जाना है और सीख के आना है, उपज नहीं आती, नहीं आएगी, जाहिर है उपज नहीं आती। आपने गुरुजी के साथ में टाइम बिताया हो, उनके साथ वो क्या करते हैं वो देखा हो, तो उपज आती है। जब वो गाते हैं तो सुना हो, वो क्या कैसे गाते हैं क्या करते हैं ये सुना हो। आपने तो टाइम फिक्स कर रखा है कि 1 से 2 मुझे संगीत सीखना है, और गुरुजी ने जो भी सिखाया वो लेसन लिया और आ गए, और उसको घर आके घिस लिया, तो उपज नहीं बनती है। राइट।